एक गांव का बच्चा बोर्ड में टॉप कर ही नहीं सकता है, कभी भी डॉक्टर बन ही नहीं सकता। बोर्ड में टॉप करने के लिए आपके पास अच्छा कोचिंग एंड अच्छी स्कूल होनी ही होनी चाहिए। हिंदी या गुजराती मीडियम से तो MBBS करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, एंड उसमें भी आपके पास लाखों करोड़ों रुपये होने ही होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे भूसे जो आपके दिमाग में भरे पड़े हैं, उन सबको मैं आज डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, एंड आपके अंदर एक बिलीफ डालने वाला हूँ कि भैया आप भी फोड़ सकते हो, बहुत ही बड़े लेवल का फोड़ सकते हो, चाहे कैसे भी वर्स्ट हालत में क्यों ना हो। कोई हवा में बातें नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे एक नहीं दो दो रियल लाइफ जीते जाते एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हैं, एंड वो हमने कैसे किया वो सारी चीजें बिल्कुल ही डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड ये वीडियो देखने के बाद आप भी समझ जाओगे कैसे आप भी बिना कोई फैसिलिटीज के बिल्कुल ही 0 रुपये में छोटे से गाँव से भी ऊपर उठ सकते हो, एंड अपने सपनों को इवन नेशनल लेवल एंड वर्ल्ड लेवल पर साकार कर सकते हो। 3 Idiots मूवी तो आपने देखी ही होगी, उसमें एक सीन है जिसमें बच्चा नया नया पैदा होता है और उसके पापा और पूरी फैमिली उसके सामने देख के बोलते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था बचपन में, पता नहीं बट कहाँ से एक भूत दिमाग में घुस गया था कि कोई भी पूछे कि बड़े होके क्या बनोगे, तो हम बोलेंगे कि हम तो भैया डॉक्टर बनेंगे। पता नहीं कहाँ से भूत आया था, बट फॉर्चुनेटली इट वॉज अ गुड डिसीजन, अच्छा था कि इंजीनियरिंग का भूत सवार नहीं हो गया था, वरना भारी नुकसान हो जाता। नहीं, जस्ट मजाक कर रहा हूँ। एवरी फील्ड हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, एंड इंजीनियरिंग में भी आप मेहनत करते हो तो बहुत ही बड़े लेवल का फोड़ सकते हो। अब मैं बेसिकली गुजरात के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, एंड हमारे गांव में ना कोई बड़े बड़े कोचिंग्स थे, ना कोई अच्छी सी प्राइवेट स्कूल थी, तो सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल जिसकी फीस इतनी कम थी कि मुझे पता नहीं थी भी या नहीं, एंड मुझे याद भी नहीं है कि हमने भरी भी थी या नहीं कभी। ऑब्वियसली एक छोटे से गांव की गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप गए हो तो आपको पता ही होगा, ना किसी को पढ़ने की पड़ी होती है ना किसी को पढ़ाने की पड़ी होती है। हालांकि मेरे टीचर्स तो अच्छे थे जो एटलीस्ट अपना बेस्ट ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो एनवायरनमेंट वो माहौल मिल ही नहीं पाता है वहाँ पे। फटे कपड़ों में सारे बच्चे बस मिट्टी में खेलने के लिए ही स्कूल में आते हैं, एंड माँ बाप भी बेचारे अनपढ़ फार्मर्स होते हैं, ना उनको ये सारी एजुकेशन सिस्टम का कुछ पता होता है, ना ही वो अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं। अब वो स्कूल की महीने की फीस थी कुछ 40-50 रुपये, यानी कि साल की आप मान लो शायद 600 रुपये के आसपास, एंड उसमें भी 700-800 रुपये सालाना कुछ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आ जाती थी फार्मर होने के नाते। सो ओवरऑल फ्री ही हो जाता था पूरा का पूरा एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन तो हम कह ही सकते हैं। एंड यही मेरे गांव की गवर्नमेंट स्कूल में मैंने नर्सरी से लेकर 10th तक की पढ़ाई की। अब 10th में आप मिरेकल कहो या मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियाँ, बट मेरे गाँव में आज तक पिछले 60 साल में कोई भी स्टूडेंट 90% से अप नहीं ला पाया था, ना ही कोई तहसील तक भी इवन फर्स्ट रैंक लाया था। लेकिन वही सेम गवर्नमेंट स्कूल से बिना कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के या कोचिंग्स के पूरे गुजरात के 10 लाख बच्चों से कंपटीशन करके आपका भाई स्टेट बोर्ड में 3rd रैंक लेके आ गया था। यस, पूरे गुजरात में 3rd रैंक विद 97.40%। पूरा गुजरात शॉक में था, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े कोचिंग से अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ के बच्चे टॉप करते हैं, वहाँ पे उनको कंपटीशन करके मैंने एक छोटे से गांव की गवर्नमेंट स्कूल से बिना कोई फैसिलिटीज के बिना कोई अच्छे कोचिंग से पूरे गुजरात में टॉप किया था, एंड दैट वाज रियली अ मिराकल। एंड आई रियली वांट टू टेल यू दैट मिराकल्स विल हैपन इफ यू विल बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क समवट हार्ड एंड स्मार्ट। एंड ऐसे ही मिराकुलस स्मार्ट वर्क के तरीकों से मेरी लाइफ भरी पड़ी है, एंड वही सारी स्मार्ट चीजें आपको सिखाने के लिए मैंने मिशन स्मार्ट वर्ल्ड चालू किया है। आज ही सब्सक्राइब कर देना, फायदा होना ही होना है। एंड अब ऐसे ही सेम हालत अंजलि की भी थी, उनका गांव तो मेरे गांव से भी बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि 7वीं के बाद गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं है गांव में, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई बगल वाले छोटे शहर के गवर्नमेंट स्कूल से की। एंड सेम वही सिचुएशन से वो भी बोर्ड में 10th में 95% के आसपास मार्क्स लेके आ गए थे। अब जब आप टॉपर बन जाते हो ना तो एक लाइम लाइट में आ जाते हो। जिस गाँव का नाम कभी किसी ने गुजरात में सुना भी नहीं था, उस गाँव के एक छोटे से बच्चे को गुजरात की बड़ी से बड़ी स्कूल के डायरेक्टर्स घर पर लेने आ गए थे। ऐसे मुझे कोई ईगो नहीं है, बट सारे टॉपर्स के साथ ये होता है, आपको पता ही है। एंड सो ऐसे ही एक वेल नोन स्कूल में मेरे अंकल और मेरे मौसा ने मेरा एडमिशन करवा दिया, क्योंकि मुझे या मेरे पापा को तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना ही हमने कहीं बाहर जाके पढ़ने का कभी सोचा था, बट मेरे मौसा और मेरे बड़े पापा ने मेरा एडमिशन करवा लिया था सारी चीज़ें जान के। अब वो स्कूल की 2 साल की फीस थी 1.5 से 2 लाख रुपये, जो कि उन्होंने मेरी पूरी की पूरी माफ़ कर दी थी, यानी कि मुझे कोई भी रुपया भरना नहीं था। एंड उस टाइम पे 2 लाख तो क्या हमारे पास 2000 रुपये भी भर सके ऐसी हालत नहीं थी, बट थैंक्स टू द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल जिन्होंने मेरी कंडीशन देखी एंड मेरी फीस माफ़ कर दी, एंड जिनकी वजह से मैं अपना 11-12 अच्छी स्कूल में कर पाया। एंड सेम हैपन्ड विद अंजलि टू, उन्होंने भी एक नज़दीक की प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया, एंड उस स्कूल की भी फी थी अराउंड 1.5 लाख रुपया, जो कि पूरी की पूरी उन्होंने माफ़ की थी। ऊपर से उन्होंने अंजलि को तो इवन लंच ट्रांसपोर्ट एंड बुक्स सब कुछ फ्री में दिया हुआ था। सो 11-12 तो हमारा अच्छे से सेटल हो गया था। अब सपोज आपको 10th में अच्छा रैंक नहीं आता है तो हो गया फिर बात खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
11th 12th का तो खर्चा हो गया आपको पूरा का पूरा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई आपको फीस में कंसेशन नहीं देगा। लेकिन तब भी एक रास्ता है, आप 11th 12th बिल्कुल ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अच्छे से प्लेटफॉर्म से कर लो, जिसमें आपको मिनिमम से मिनिमम फीस देनी पड़े एंड साथ में क्वालिटी भी बिल्कुल ही अच्छी हो, वो करके आप टॉप रैंक ला दो। एंड अगर आप स्टेट या नेशनल लेवल पर टॉप करते हो तो आपको पता ही है आगे जाके पैसा ही पैसा है, ज्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपकी फीस तो रिटर्न कर ही देते हैं इंस्टीट्यूशंस वाले। अब सर आपने तो टॉप रैंक ला दो ऐसे बोल दिया जैसे कोई चने ममरे चबाने का खेल हो, तो यस चने ममरे चबाने वाला खेल तो नहीं है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना कि आपने दिमाग में भर के रखा है। अगर मेरे वीडियोस आपने देख के रखे हैं तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं देखे हैं तो आज ही जाके देख लेना, मैंने सारे सीक्रेट्स बताए हुए हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की थी मेडिकल फील्ड की सारे नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स में टॉप 10 या टॉप 100 रैंक्स लाने में, एंड जिपमेर में तो इवन मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 था। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म ढूंढे कहाँ से, तो एक बहुत ही अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्वालिटेटिव प्लेटफॉर्म है बेजीडिया, जो मैंने पहले भी आपको एक दो बार सजेस्ट किया हुआ है एंड जो मैं पर्सनली बहुत ही लाइक करता हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोगों को वो पसंद आया था जब मैंने पहले सजेस्ट किया था। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, तो ये एप्लीकेशन इतनी ब्यूटीफुली डिजाइंड है, सारे के सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी, नेशनल लेवल के टॉप फैकल्टीज के क्वालिटी लेक्चर्स से लेके NCERT बेस्ड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन टिल क्रिस्प एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन, नो एक्स्ट्रा थिंग्स, लिमिटेड बट इनफ MCQs एंड नेशनल लेवल मॉक टेस्ट, साथ में लास्ट मिनट रिविजन कीज, MCQ ऑफ द डेज, नेमोनिक्स, डेली ट्रैकिंग ऑफ योर परफॉर्मेंस, कितना किया है एंड आगे कितना बचा है उसका लाइव ट्रैकिंग, एंड वो कंप्लीट करने के लिए डेली मोटिवेशन। भैया 720 में से 720 लाने के लिए इतना ही चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, एंड इन सबको मिला के प्राइस है सिर्फ 750 रुपया पर मंथ, यानी कि सिर्फ 9,000 रुपीज पर ईयर, दैट इज इवन लेस देन 10 टाइम्स ऑफ अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस फी। अब आप देखो कि कहाँ वो 1.5-2 लाख रुपीज वाले खर्चे एंड कहाँ ये 10,000 से भी कम फीस में पूरा का पूरा एक साल, उसमें भी कोई ट्रांसपोर्ट, खाने पीने का, हॉस्टल का कोई खर्चा नहीं, घर पे बैठे बैठे आराम से घर का खाना खाते खाते पढ़ाई कर लो, एंड इसी को ही बोलते हैं स्मार्ट वर्क भैया। हाँ कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स है जो आपको इतनी प्राइस में पढ़ा रहे हैं, बट भैया इतना क्वालिटेटिव एंड इतने जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ही कम है, एंड ऐसे सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म को आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो आप स्टेट तो क्या नेशनल लेवल पर टॉप कर सकते हो। फ्री कंटेंट अवेलेबल है, मेरी बातों पर विश्वास ना होता हो तो एक बार डाउनलोड करके आप खुद ही चेक कर लो। मैंने भी सेम यही किया था अपनी PG प्रिपरेशन के टाइम पे, सिर्फ मैरो पे ही ज्यादा से ज्यादा फोकस किया था एंड उसको ही अच्छे से करके इवन ऑल इंडिया रैंक 2 लेके आ गया था। अब उस टाइम पे 11th 12th में हम दोनों की फीस माफ थी तो हमने अच्छे से मेहनत कर ली, एंड अगेन इन 12th ऑल्सो फिर से हमने टॉप किया था, मेरे कुछ 92% थे एंड गुजकेट में जो कि स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम से उसमें मेरे 106 मार्क्स थे 120 में से, एंड सैम अंजलि के भी कुछ 95% थे एंड गुजकेट में उसके कुछ 115 के आसपास थे। सो उसके बेसिस पे हमें गुजरात की अच्छी सी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन मिल गया, जिसका नाम था बड़ौदा मेडिकल कॉलेज, जो कि गुजरात की सेकंड बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। हालांकि लेटर ऑन मेरा BJ मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर हो गया, जो कि गुजरात की भी एंड इवन पूरे वेस्टर्न इंडिया की सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेजों में से एक है। एंड ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस थी उस टाइम पे 6,000 रुपया पर साल, यस नॉट इन करोड़, नॉट इन लाख्स, सिर्फ 6,000 रुपया पर ईयर, एंड उसमें भी एंटर होते ही हमें 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिल गई थी, सो टोटल फीस हो गई 0, इवन 4,000 रुपये का सीधा फायदा हुआ था। एंड ऐसे ही बिल्कुल नॉमिनल फीस एंड स्कॉलरशिप के साथ हमने पूरे के पूरे 5 साल निकाले, थोड़ी बहुत मेहनत कर ली लास्ट 1-2 साल में, एंड अगेन NEET PG और AIIMS PG के एग्जाम में फिर से नेशनल लेवल पर मैंने टॉप किया एंड एम्स जोधपुर में MS जनरल सर्जरी का सीट उठाया। अब एम्स जोधपुर की फीस कितनी होगी आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो PG में MD MS करने के लिए तो उसकी फीस होती है 40 लाख से 1.5 करोड़ तक। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लेते हो तो भी उसकी फीस होती है 1-2 लाख रुपया पर ईयर, एंड उन सबके सामने एम्स की फीस थी सिर्फ 2600 रुपया फॉर 3 ईयर्स, यस पूरे के पूरे 3 साल के सिर्फ 2600 रुपये। मैंने जब एडमिशन लिया तब मैंने सिर्फ एक बार 2600 रुपये भरे थे, उसके बाद मैंने आज तक 1 रुपया नहीं भरा है अपने कॉलेज में। सामने स्टाइपेंड आता है महीने के कुछ 80-90 हज़ार रुपये, एंड ऐसा ही सेम हुआ अंजलि के साथ, शी ऑल्सो वर्कड हार्ड, इवन क्रैक्ड एम्स 3 टाइम्स विथ 250 रैंक्स, बट उनको चाहिए था MD मेडिसिन सीट, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग ब्रांच है एंड टॉप 10 में फिलअप हो जाती है, तो वो एम्स में तो नहीं ले पाए, बट नीट से उनके पेरेंट कॉलेज में बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में MD मेडिसिन की सीट उठा ली, एंड दैट इज अगेन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसकी फीस है हालांकि 1 लाख पर ईयर, बट स्टाइपेंड आता है आपका, सो ओवरऑल इट इज लाइक 1 मंथ ऑफ एक्स्ट्रा सर्विस। हाँ इन सारी की सारी जर्नी में खाने पीने रहने का खर्चा आपका आता है, बट दैट डिपेंड्स टोटली ऑन योर लाइफ स्टाइल। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं खर्च करने के लिए, सो मेरा खर्चा बिल्कुल ही मिनिमम था,
एंड दिस इज हाउ वी बोथ स्टडीड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम नर्सरी टू 10, 11, 12th, MBBS, MD, MS, everything. Even we earned some money while studying, but didn't give anything for the study. And that is how आप भी स्मार्ट वर्क करके आत्मनिर्भर बन सकते हो एंड अपने फैमिली के सर से लोड हटा के आपका नाम रोशन कर सकते हो. हम दोनों एक दूसरे को कोई पहले से नहीं जानते थे. हमारी मुलाकात MBBS के सेकंड ईयर में हुई थी, बट उसके पहले हम लोग जहाँ पे भी थे अपने अपनी लाइफ में सेम सफर तय किया है. एंड दैट्स मोर देन इनफ टू बिलीव दैट मिराकल्स कैन हैपन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डेडिकेशन. इस पूरे वीडियो का सीधा कंक्लूजन अगर आप निकाल पाओ तो वो यही है कि बहुत ही ज़्यादा दबा के मेहनत करो, टॉप रैंक ले आओ एंड गवर्नमेंट या प्राइवेट में बिल्कुल ही नॉमिनल फीस के साथ पढ़ लो. बट द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे आपके पास कोई भी फैसिलिटीज़ हो ना हो, चाहे कैसे भी गांव से बिलोंग करते हो, अच्छा कोचिंग या बुक्स ना भी हो तो भी आप फोड़ सकते हो भैया, एंड इतने बड़े लेवल का फोड़ सकते हो जो किसी ने सोचा ना हो. एंड बिलीव मी, सेविंग अ सिंगल रूपी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, एंड वो चीज़ आप तब समझोगे जब आप खुद अर्निंग करना स्टार्ट करोगे. बाकी एग्जाम को कैसे टॉप करना है उसके साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, एक बार देख लेना, यहाँ पे आ जाएगा, वरना ये वीडियो देखो जो किसके साथ रिलेटेड है. बार बार मेरे वीडियोस को देखने रखकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ.